एक लड़की जो 17 साल की बाली उम्र में नन बनने का फैसला करती है, लेकिन कॉन्वेंट में रहते हुए वो एक दूसरी नन के प्यार में पड़ जाती है। आज की हमारी मूवी का नाम है नोविशेट, जो 2017 में रिलीज हुई एक अमेरिकन ड्रामा मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7। कहानी एक लड़की के वॉइस ओवर के साथ शुरू होती है। वो कहती है कि लोगों को लगता है कि प्यार में किसी भी तरह का सैक्रिफाइस नहीं होता, लेकिन उसे इस तरह का प्यार नहीं चाहिए। वो एक आइडियल लव चाहती है जिसे वो प्यार करे, उसे अपना सब कुछ सौंप दे। कहानी 1964 से शुरू होती है और हमें कॉन्वेंट स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ नंस बनने की तैयारियाँ कर रही हैं। यहीं हम कैथलीन को देखते हैं और वो हमें बताती है कि इस कॉन्वेंट में वो 17 साल की उम्र से है और उसे लगता है कि एक दिन ये सब नंस जो अभी जवान है यहीं पर रहते हुए बूढ़ी हो जाएंगी। इन औरतों और लड़कियों का नन बनने का एक ही कारण है कि वो बाहर की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पाई और अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो नन बन गई। लेकिन वो इस सच को नहीं बदल सकती कि वो प्यार में डूबी हुई एक औरत है और उन्हें बस प्यार चाहिए। कहानी 10 साल पीछे जाती है, जहां हम नन्नी कैथलीन को उसकी माँ नौरा के साथ चर्च में देखते हैं। नौरा गॉड यानी कि भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती, इसलिए फादर उसे वहां देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। नास्तिक होने के बावजूद वो चाहती है कि कैथलीन चर्च आए और अपने रिलीजन के बारे में कुछ सीखे। रात में डिनर करते वक्त कैथलीन पूछती है कि क्या वो कैथोलिक हैं। नौरा कहती है वो इन सब धर्म कर्म की बातों पर विश्वास नहीं करती, उसे ये सब समय की बर्बादी लगता है, लेकिन वो चाहती है कि उसकी बेटी बड़ी होने पर खुद डिसाइड करे कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर वहाँ कैथलीन के पापा आते हैं और नौरा और उसके हस्बैंड के बीच बेवजह लड़ाई होने लगती है। वो कैथलीन के आगे ही एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं और कैथलीन के पापा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन दो नंस नौरा के पास आती हैं और बताती हैं कि वो पास के ही कॉन्वेंट में रहती हैं। वो चाहती है कि नौरा अपनी बेटी को उनके स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे और वो किसी भी बच्चे पर नन बनने का दबाव नहीं डालेंगी। ये बच्चे डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। उनका मेन पर्पस केवल बच्चों को एजुकेट करना है। सो कैथलीन और बाकी लड़कियां कॉन्वेंट में एडमिशन ले लेती हैं। कैथलीन हमेशा दूसरी लड़कियों से अलग अकेले में टाइम स्पेंड करती थी। सिस्टर मार्गरेट उसके पास आती है और दूसरी लड़कियों के साथ बात करने के लिए कहती है। कैथलीन बताती है कि सभी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती हैं, इसीलिए वो उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मार्गरेट उसे चर्च ले जाती है और जीसस के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि उसने जीसस से शादी की है और हर नन जीसस की वाइफ होती है और कोई अकेले रहना पसंद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इंटीमेसी की चाहत नहीं है। सिस्टर के जाने के बाद कैथलीन कुछ पल के लिए चर्च में ही बैठी रहती है। कहानी कई साल आगे जाती है और अब कैथलीन बड़ी हो चुकी है। वो अपनी मॉम की रूम में एक लड़के को देखती है जो दरअसल उसकी मॉम का नया बॉयफ्रेंड था। नौरा उसके साथ बस बेड पर ही सीरियस रहती थी। नौरा कैथलीन से जानना चाहती है कि कहीं वो कैथोलिक धर्म को ज्यादा सीरियसली तो नहीं ले रही। वो उसे समझाती है कि गॉड और चर्च के अलावा भी दुनिया में एंजॉय करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कैथलीन अपना ज्यादातर समय चर्च में ही बिताती है और जीसस को प्यास भरी निगाहों से देखती है। वो जीसस की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। वो उन्हें आई लव यू कहती है। वो सिस्टर मार्गरेट से कहती है कि वो भी उनकी तरह जीसस की दुल्हन यानी कि नन बनना चाहती है। नौरा को जब कैथलीन के नन बनने के डिसीजन के बारे में पता चलता है, वो उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कैथलीन अपना माइंड मेकअप कर चुकी थी। वो नौरा से कहती है कि उसे जीसस से प्यार हो गया है। नौरा को लगता है कि उसकी बेटी रिलीजन और लव के बारे में कुछ नहीं जानती। उसके बाद हम कॉन्वेंट में मदर से मिलते हैं, जो 40 साल से उस कॉन्वेंट से बाहर नहीं निकली हैं। वो खुद को जीसस का देवदूत बताती हैं और कहती है कि गॉड खुद धरती पर नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने उसे उनका काम करने के लिए यहाँ भेजा है। मदर असल में एक सख्त डिसिप्लिन वाली औरत है जो खुद से ऊपर किसी को नहीं समझती, यहाँ तक कि कोई उसके डिसीजन पर उंगली उठाए ये भी उसे पसंद नहीं है। वो उन्हें बताती है कि अगले 6 महीने तक वो सभी लड़कियां इस कॉन्वेंट में एज अ पोस्टुलेंट्स यानी कि उम्मीदवार के तौर पर रहेंगे और 6 महीने बाद वो डिसाइड करेंगी कि उनमें से कौन नन बनने के लिए परफेक्ट है। अगले दिन उन सब की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मैरी ग्रेस को उन लड़कियों को ट्रेनिंग देने का काम सौंपा जाता है और वो उन सबको बेल यानी कि घंटा बजने पर ध्यान देने को कहती है, जो उनके कॉन्वेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। वो बताती है कि सबसे पहली बेल 5 बजे बजती है, जिसका मतलब है कि उन्हें उठकर प्रेयर करनी है और तैयार होना है। 3 बेल्स बजने का मतलब है कि ग्रैंड साइलेंस खत्म हो गया है। ग्रैंड साइलेंस के दौरान उन्हें बस साइन लैंग्वेज में ही बात करनी है।
उधर मदर को काउंसिल से कुछ नोटिस मिलते हैं, जिसमें कॉन्वेंट में कुछ मॉडर्न बदलाव करने की बात कही गई थी, जिसे पढ़कर मदर अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर मैरी लड़कियों से जानना चाहती है कि वो नन क्यों बनना चाहती हैं। किसी के अपने फैमिली रीजंस हैं और कुछ अपनी इच्छा से नन बनने के लिए तैयार हैं। मैरी मदर के पास आती है और उन लड़कियों के लिस्ट उन्हें देती है जो उनके हिसाब से नन बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन काउंसिल के उस नोटिस की वजह से मदर मैरी की बातों पर ध्यान नहीं दे पाती। मैरी जानना चाहती है कि काउंसिल ने क्या लिखा है, लेकिन मदर उसे खुलकर कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसे लगता है कि चर्च में किसी भी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। वो मैरी को उन पेपर्स को पढ़ने भी नहीं देती जो काउंसिल ने भेजे थे। उधर कैथलीन को गॉड से इश्क हो रहा था और गॉड के लिए उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। नौरा कैथलीन से मिलने आती है और कैथलीन अपने पापा के बारे में पूछती है। नौरा बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर से उसे पता चला है कि उसके पापा बीमार हैं, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। फिर हम सिस्टर मैरी को देखते हैं जो थोड़ी परेशान है और फिर वो अचानक से खुद को रिलैक्स करने के लिए हस्त मैथुन करना शुरू कर देती है। अगले सीन में हम सिसी नाम की लड़की को मदर को गुड मॉर्निंग विश करते हुए देखते हैं, लेकिन मदर उस पर गुस्सा होने लगती है और बहुत बुरी तरह चिल्लाती है। सिसी काफी डर जाती है क्योंकि ये ग्रैंड साइलेंस का समय था और उन सबका बोलना मना है, लेकिन सिसी को याद नहीं रहता, जिस पर मदर उसे जमीन पर क्रॉल करने की एक बहुत बुरी सजा देती है। बाद में मैरी और कैथलीन की बातों से हमें पता चलता है कि सिसी को कॉन्वेंट से निकाल दिया गया है। मैरी कैथलीन से कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि कैथलीन श्योर हो सके कि वो पूरी जिंदगी एक नन बनकर गुजार सकती है, क्योंकि नन्स को कड़े अनुशासन में रहना पड़ता है और खुद को कंट्रोल करना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद दो और लड़कियों को कॉन्वेंट से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का भोग लगाते हुए पकड़ी गई थी। मैरी को मदर का उन लड़कियों के लिए इतना सख्त होना पसंद नहीं आता और वो उन्हें समझाती है कि वो लड़कियां जवान हैं और खूबसूरत भी, शायद वो एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढ रही हो। मदर मैरी से पूछती है कि वो सिर्फ जानना चाहती है कि जो लड़कियां 6 महीने खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती वो पूरी जिंदगी कैसे करेंगी। मदर उसे ये भी कहती है कि जो उसके जजमेंट पर सवाल उठाएगा उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मैरी कहती है कि उसे मदर की बातें समझ नहीं आती और वो उन डॉक्यूमेंट्स को भी उससे छुपा रही है जो काउंसिल ने उसे भेजे थे। वो जानना चाहती है कि काउंसिल ने क्या लिखा है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगती है। मैरी वहां से चली जाती है और अपने रूम में आकर रोने लगती है। बाद में मैरी सभी लड़कियों से बताती है कि वो कॉन्वेंट छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। उसे रियलाइज हो चुका है कि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करती। फाइनली वो दिन आ जाता है जब 6 महीने बाद लड़कियों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और उन सभी की जीजस से शादी होने वाली है। वो जीजस की टेम्पररी दुल्हन बनने के लिए तैयार है। उन सभी लड़कियों के बाल काट दिए जाते हैं जो कि कॉन्वेंट का एक रूल था और सभी लड़कियां नंस की तरह ड्रेसअप हो जाती हैं और अपनी पहली वाउज यानी कि प्रतिज्ञा लेती हैं। सब जीजस की वाइफ बनकर काफी खुश हैं। उनके कमरों से शीशे हटा दिए जाते हैं। चीजें उनके लिए और स्ट्रिक्ट हो चुकी थी। फिर हमें सिस्टर गैब्रियल से मिलवाया जाता है जो इस कम्युनिटी की न्यू मेंबर है और वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए यहाँ आई है। फिर हम एमरी नाम की एक लड़की को कैथरीन के साथ बात करते हुए देखते हैं और वो लड़कों को किस करने और उनके साथ मजे करने के बारे में बात कर रही थी। आमली को ये सब नॉर्मल लगता है। उसी रात कैथलीन नींद में हस्त मैथुन करना शुरू कर देती है और घबरा कर उठ जाती है। सुबह होने पर वो अपनी कल रात के प्लेजर के लिए गॉड से माफी मांगती है और सजा के तौर पर खाना छोड़ देती है। काउंसिल का एक आदमी मदर के पास आता है और उसे पता चलता है कि मदर ने अभी तक चर्च में नए चेंजेस लागू नहीं किए हैं क्योंकि वो उन चेंजेस से एग्री नहीं करती। वो आदमी मदर से अपना दिमाग थोड़ा खोलने और मॉडर्न तरीके से सोचने के लिए कहता है, अदरवाइज वो मदर की पोजीशन किसी और को देने की धमकी देता है। कैथलीन मदर के पास आती है और उसे खुद के डिसिप्लिन के लिए कोड़े मांगती है। मदर जानना चाहती है कि उसने ऐसा क्या पाप किया है, लेकिन कैथलीन उन्हें सच नहीं बताती और खुद को सजा देने लगती है। नौरा कैथलीन को उसके पापा के डेथ के बारे में बताने के लिए जाती है और नोटिस करती है कि वो काफी वीक लग रही है। कैथलीन नौरा से ढंग से बात तक नहीं करती, इसलिए नौरा मदर सुपीरियर को धमकी देती है कि अगर उसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो वो कैथलीन को वापस लेकर चली जाएगी। सिस्टर्स कैथलीन के खाने पर ध्यान देना शुरू कर देती है, लेकिन कैथलीन इतनी वीक हो चुकी थी कि वो चलते चलते बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सिस्टर गैब्रियल उसका ध्यान रखती है और एक दिन वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाती है। मदर सुपीरियर ईश्वर के साथ अपने संबंधों पर सवाल उठाती हैं और फाइनली वो सभी के आगे उस नए ऑर्डर को सुनाती हैं जो काउंसिल ने चर्च में लागू किए हैं। उन ऑर्डर्स में लिखा था कि एक दूसरे की सोच सेम ना होने के बावजूद सिस्टर्स को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और जो लड़कियां नंस बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं और जो नंस बन चुकी हैं उन्हें पुराने रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी और उन्हें उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने की भी जरूरत नहीं है। वो कुछ भी पहनने के लिए आजाद हैं। ये सब
सब पढ़ते पढ़ते मदर रोने लगती हैं क्योंकि उन्हें अपना अस्तित्व खत्म होता दिख रहा था, क्योंकि अब किसी को भी उनके ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं थी, वो सब फ्री हैं, कोई किसी भी वक्त कॉन्वेंट छोड़कर जाने के लिए फ्री। चैप्टर ऑफ फाउल्स के दौरान कैथलीन अपनी इच्छाओं को स्वीकार करती है कि वो किसी के साथ फिजिकल हुई है और अब वो चाहती है कि कोई उसे प्यार से छुए, वो गॉड की नहीं बल्कि किसी इंसान के प्यार को महसूस करना चाहती है। मदर उसे जानना चाहती है कि वो किस लड़की के साथ इंटीमेट हुई है। कैथलीन सिस्टर गैब्रियल का नाम नहीं लेती, कैथलीन को क्राउल करने की सजा दी जाती है। फाइनली मदर सुपीरियर वेटिकन टू को स्वीकार कर लेती है, जिससे सभी नंस का दर्जा किसी भी कैथोलिक के बराबर हो जाता है। कैथलीन अपनी लास्ट वाउस लेने के लिए तैयार है। अपनी लास्ट वाउस के दौरान कैथलीन से पूछा जाता है कि वो क्या ढूंढ रही है, उसे किस चीज की तलाश है, लेकिन कैथलीन इसका जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो शायद कंफ्यूज थी या शायद वो नन बनकर बाहरी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिल्म एक नोट के साथ समाप्त होती है जिसमें वेटिकन टू के बाद 90,000 ननों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और उन्होंने अपने व्यवसाय को त्याग दिया और मठों को छोड़ दिया। फिर हम कैथलीन को 10 साल बाद देखते हैं। उसका एक बेटा है, एक फैमिली है और फिर वो चर्च जाती है जो अब एक मलबे में बदल चुकी है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।